मध्य प्रदेश के पन्ना जिले पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के तीनों प्रत्याशियों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद इंद्रपुरी पार्क से रोड शो किया। बड़ा बाजार होते हुए गांधी चौक में रोड शो का समापन किया गया। सीएम ने तीनों कैंडिडेट के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। सीएम ने रोड शो के दौरान गांधी चौक में विकास की गाथा का गुणगान किया और तीनों प्रत्याशी की जमकर तारीफ की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने कई योजनाओं को बंद किया था, भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विकास का ढांचा बनाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम अपनी जनकल्याण के कार्यों व विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम प्रचंड बहुमत की ऐतिहासिक सरकार बनाएंगे। आज तो मेरी शुभकामनाएं हमारे तीनों पन्ना जिले के उम्मीदवार भाई बिजेंद्र जी को, राजेश जी को, प्रहलाद जी को, और चूंकि अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है इसलिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से अपने प्रचार के काम में लग गई है। पन्ना के आज तीनों फॉर्म भरे गए हैं और हम अपने विकास के काम और जनकल्याण के काम, एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति और विकास की है और मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली है उनको लेकर, और राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने। आज तो मेरी शुभकामनाएं